सामाजिक और सांस्कृतिक जितनी भी समस्याएं हैं इनका समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देगा। ये समस्याएं समस्याएं नहीं रहेंगी। तो आपके पास अनुकूल परिस्थितियां हैं कार्य करने की। इन अनुकूल परिस्थितियों को आर्य समाज जैसे संगठनों को अपने स्वयं के संगठन के साथ साथ इस राष्ट्र के हित के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस कालखंड में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, सर्वानंद जी महाराज ने और अन्य ऊपर आर्य विश्वों ने कार्य किया था जब देश कथित रूप से गुलाम था, जब इस देश में विधर्मी राज कर रहे थे, भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे। तब देश की स्वाधीनता के लिए 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के साथ जो देश की स्वाधीनता की लड़ाई आगे बढ़ती है, इसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है जब आर्य वीरों ने इसमें मिलकर के अपना सहयोग प्रदान किया, चाहे वो वीर सावरकर हो, भाई परमानंद हो, या फिर लाला लाजपत राय से लेकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तक एक लंबी श्रृंखला है जिसने अपने आप को समर्पित किया था भारत की स्वाधीनता के लिए। देश के अंदर क्रांतिकारियों की मजबूत फौज को खड़ा करने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। इस देश के अंदर स्व का भाव जागृत करने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। भारत के अंदर वेदों की पुनर्प्रतिष्ठा हो इसका श्रेय आर्य समाज को जाता है। और भारत के अंदर हम आधुनिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर सके इसका श्रेय आर्य समाज को जाता है। एक जातिविहीन समाज जिस बुराई ने इस देश के सामाजिक ताने बाने को सदैव छिन्न भिन्न करके भारत के अंदर अव्यवस्था और भारत को गुलामी की ओर धकेलने का कार्य किया था, उसके खिलाफ आवाज उठाने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। तो साथ साथ सैकड़ों वर्षों के बाद हम शुद्धि के अभियान के माध्यम से अपने भूले भटके बंधु बांधवों को वापस अपने घर में ला सके इसका श्रेय भी अगर किसी संगठन को जाता तो आर्य समाज को जाता है। स्मृतियां कहती थी कि किसी कालखंड में कोई भूल गया हो, भटक गया हो, बिछड़ गया हो, उसको वापस ले लो, तो भी समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है। देश पानीपत का युद्ध क्यों हारा था? केवल इस देश की जातिवाद की पाखंडी जो व्यवस्था थी इसके कारण। पानीपत का युद्ध अगर देश जीता होता यह देश अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं बना होता। हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का दुस्साहस किसी के पास नहीं था, लेकिन इसको समझने की सोच चाहिए थी और सचमुच उस कार्य को किया आर्य समाज ने। आज जो देश के अंदर वर्तमान में भारत की उभरते हुए भारत को देखते हुए जब उतनी तेजी के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ेंद्र दिखाई देते हैं और खड़ेंद्रों को देख करके जब मुझे कभी कभी चिंता होती है, तो उसी समय जब मैं आर्य समाज जैसे संगठनों के इस भव्य प्रकार के आयोजन जमावड़े को देखता हूं, तो फिर मैं एक बार पुनः इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नहीं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया के उस कॉन्सेप्ट को साकार करने के लिए आर्य समाज जैसे संगठन में खड़े हैं, तो दुनिया की कोई ताकत इस मार्ग में कंटक नहीं बिछा सकती।